बता देते हैं, बड़ी खबर इस वक्त की है एक्ट्रेस कंगना रनावत को लेकर। एक्ट्रेस कंगना रनावत के बयान पर भर के चिराग पासवान, आजादी में भीख वाले बयान पर भर गए चिराग पासवान। आपको बता दें कि कंगना के बयान की चिराग ने घोर निंदा की है। चिराग पासवान ने कहा कि अभिनेत्री पर कार्रवाई हो। कंगना रनौत ने स्वतंत्रता सेनानियों के शहादत का अपमान किया है। चिराग पासवान ने अब कार्रवाई की मांग की है अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने एक निजी न्यूज चैनल को जब बयान दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि 2014 में ही देश सही मायने में आजाद हुआ है। 1947 में जो आजादी मिली वो आजादी दरअसल भीख की आजादी थी, भीख में मिली हुई आजादी थी। और कंगना के बयान की घोर निंदा चारों ओर की जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बयान हो नहीं सकता। आजादी भीख में मिली, मतलब आपकी जहन में भी ये सोच कैसे आती है? आप कहीं ना कहीं हर उस स्वतंत्रता सेनानी का आप अपमान कर रहे हैं, हर उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देने वालों का आप अनादर कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों का आप अनादर कर रहे हैं और तमाम उन भारतीयों का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने आजादी को एक सपने के तौर पर देखा था और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। भले वो सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी हो या सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो या सरदार पटेल हो या जितने भी हो, जिन लोगों ने भी आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, महापुरुषों से लेकर, ये तो वो बड़े नाम हैं जो कि इतिहास में दर्ज हैं, पर अनगिनत ऐसे नाम हैं जो कि इतिहास में शायद उनके नाम भी दर्ज नहीं होंगे, पर उसके बावजूद उन्होंने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। उस पर ये कहना कि भैया आजादी आपको भीख में मिली है और 2014 के बाद ही सही आजादी मिली, मुझे तो पहले ये परिप्रेक्ष्य नहीं समझ में आया कि भैया 2014 के बाद सही आजादी मिलने का आपका तात्पर्य क्या है। बट बहरहाल मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बयान की निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बयान को गंभीरता से लेकर इस पे कार्रवाई। भाई देखिए, बोलने की आजादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज बन जाए। एक बड़ा तबका है समाज में ऐसा जो कि देश विरोधी ताकतों को बल देना चाहता है, और मैंने रह कर पार्लियामेंट में भी, जब जेएनयू प्रकरण के ऊपर एक बहस हो रही थी उस वक्त मैंने सदन में भी खड़े होकर मैंने इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि हाँ, बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, पर बोलने की आजादी का कतई ये मतलब नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज बनने लग जाएं, आप ऐसे लोगों को अपमानित करने लग जाएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए। और जिस तरीके से कंगना का यह बयान आया है, मैं उसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व सरकार में बैठे हुए लोग इसको गंभीरता से लें और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ऋतिक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ऋतिक, चिराग पासवान ने भी अब कंगना के इस बयान पर उन पर कार्रवाई की मांग कर दी है और लगातार जो देश के अन्य हिस्सों से भी यही मांग उठती आ रही है कि जो पद्मश्री अवार्ड मिला है वो वापस ले लिया जाए, और चिराग ने भी इस बात का समर्थन कर दिया है। बिल्कुल शर्मिला, देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंगना रनौत के इस बयान पर घोर निंदा की है, बिल्कुल सही है। एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि देश को सही मायने में आजादी साल 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, आप तो इशारों में ही कहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इससे पूर्व भी अगर आप देखा जाए तो क्या कंगना रनौत ये चाहती है या फिर उनके उन्हें ये पता है कि उससे पूर्व यानी कि 2014 से और 1947 के बीच में 67 साल देश गुलाम रहा था क्या? ये सवाल उन्हें खुद उनसे पूछना चाहिए, उन्हें खुद इस बात को समझना चाहिए। देश की एक नागरिक है और एक नागरिक होने के नाते इस तरीके का पेचीदा बयान, इस तरीके का बेतुका बयान कहीं से भी लाजमी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि उन्होंने तमाम स्वतंत्रता सेनानियों, चाहे वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता कि आपने राष्ट्रपिता का अपमान इस तरीके से किया है, आपने ये कह दिया है कि 2014 में ही देश को आजादी मिली, तो ये कहीं से भी ये किस तरीके की फिलोसफी कंगना रनौत ने दी है? ये तो वही बखूबी समझे, लेकिन जिस तरीके से एक सम्माननीय देश का एक सर्वोच्च अवार्ड है पद्मश्री उन्हें मिला है शर्मिला, और इस तरीके का बयान जब एक देश का नागरिक देता है तो बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष है वो लगातार सरकार से अपील कर रहा है कि उनका पद्मश्री वापस लिया जाए। और चिराग पासवान ने भी आज, क्योंकि देखिए उनके साथ फिल्म में भी काम कर चुके हैं, उनके साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक दोस्ती उनसे अच्छी है, लेकिन जिस तरीके का बयान कंगना रनौत ने दिया है ये बयान तो उनकी पार्टी भी यानी कि लोजपा रामविलास भी इसकी कड़ी निंदा करती है और
उन्होंने भी केंद्र सरकार से ये मांग की है, अपील की है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भी इस बयान को शर्मनाक बताया है और उन्होंने भी ये मांग कर दी है कि कंगना रनौत पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना रनौत के इस बयान को लेकर चारों ओर देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज उठ रही है और उनके खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। कंगना रनौत को दिए गए पद्मश्री सम्मान को भी वापस लेने की मांग की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।